नमस्कार साथियों साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। रास्ते पर चलते हुए मार्ग में जमीन पर पड़े हुए पैसे अक्सर लोगों को मिलते हैं। कुछ लोग उन पैसों को उठा लेते हैं और कुछ लोग उसकी ओर देखने के बाद भी कि सड़क पर जमीन में मार्ग में पैसा पड़ा है उसके बाद भी नहीं उठाते। आज इसी विषय पर यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्ग में पड़े हुए धन को पैसों को उठाना चाहिए या फिर नहीं। साथियों पैसा किसको बुरा लगता है? किसी के पास कितनी भी संपत्ति हो लेकिन उसके बाद भी रास्ते में अगर पड़ा हुआ उसे 10 रुपये का नोट दिखेगा तो वो जातक व्यक्ति जरूर उठाएगा। लक्ष्मी अपने पास कितनी भी हो लेकिन मार्ग में पड़ा हुआ रुपया दिखाई देते ही भी लोग उसे उठाने को आगे बढ़ते हैं। अब विषय यह आता है कि ऐसे धन को ऐसे पैसों को ऐसे नोट को उठाना चाहिए या नहीं, अपने पास रखना चाहिए या नहीं। तो साथियों वीडियो को अंत तक देखें, बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कभी भी मार्ग में रास्ते में सड़क पर चलते हुए आपको अक्सर पैसे दिखते हैं, नोट दिखते हैं और आप उन्हें उठा लेते हैं तो वो आपके लिए शुभ है या अशुभ, इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कंगाल भी हो सकते हैं और धनवान भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो किस अवस्था में धनवान होता है मार्ग में पड़े हुए पैसे उठाने पर और किस अवस्था में कंगाल हो जाता है, आज इसी वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों मार्ग में चलते हुए सड़क पर अगर आपको पैसा मिलता है, धन मिलता है और वो कागज़ का एक टुकड़ा यानी कि 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 कितना भी पैसा पड़ा हो कभी नहीं उठाना चाहिए। उसको उठाकर 10 रुपये का ही क्यों ना ही नोट हो यदि आप उसे अपने पास रखते हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलो आपका कंगाल होना निश्चित है, कभी नहीं उठाने चाहिए। यह दरिद्रता लाता है, दुख लाता है, कलेश लाता है और आपके सारे ग्रहों को खराब कर देता है। अब कैसे उठाना चाहिए और कौन सा पैसा उठाना चाहिए मार्ग में पड़ा हुआ उसके बारे में आपको बताते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। एक बात हमेशा ध्यान रखें, कागज़ का टुकड़ा यानी कि कागज़ का नोट यदि आपको मार्ग में पड़ा हुआ मिलता है वो 10 का हो या 500 का कभी भी मत उठाएं। लेकिन यदि आपको कोई नाना का मतलब सिक्का, वो चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 5 रुपये का हो, चाहे 100 रुपये का हो, यदि उसको आप उठाते हैं और अपनी जेब में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, वो निश्चित ही रूप से आपको लाभ देगा और धनवान बनाएगा। तो मार्ग में कौन सा धन उठाना है कौन सा नहीं उठाना है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। कभी भी कागज़ के नोटों को नहीं उठाना चाहिए, हमेशा यदि सिक्का आपको मार्ग में चलते हुए मिलता है तो वो उठाएं, वो प्रगति का मार्ग आपको देगा और निश्चित रूप से आपको धनवान बनाएगा। लेकिन यदि आप कागज़ का नोट उठाते हैं तो आप दुख, गरीबी और दरिद्रता के शिकार हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको
समय समय पर देखने को मिलती रहे। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे। धन्यवाद।